मॉर्निंग एंड लेट्स सेलिब्रेट। दोस्तों मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है, मैं एक पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूँ, बिजनेस ट्रेनर हूँ और इन कोर्सेज को आप ज्वाइन करने के लिए ऊपर लिखे हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और आज का हमारा विषय है कि किस प्रकार से आपको भर भर के ढेर सारे आपको लीड चाहिए रोशनदान से, दरवाजों से, खिड़कियों से, नलकों से लीड्स आनी चाहिए। लीड्स आपके पास दो तरह से आती है, एक होता है ऑर्गेनिक सोर्सेज जिसमें आपका पैसा बिल्कुल नहीं लगता है, अपने आप लीड्स आती है, और दूसरा होता है आपके पास पेड सोर्सेज जहां पर आपको पैसा खर्चना पड़ता है। देखिए पहले एक तरीका था जिसमें आपको पैसे खर्च के यानी कि अखबार से, क्योस्क से, होर्डिंग से, आपको टीवी से, महंगे महंगे तरीकों से आपको करना पड़ता था, लेकिन आज इंटरनेट के आने के बाद ऐसे तरीके हैं जिसमें आप भर भर के लीड आपको मिलेंगी, वो भी ऑर्गेनिकली मिलेंगी, बिना पैसा खर्चों मिलेंगी, बुद्धि से मिलेंगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है लीड अगर आपको चाहिए तो वो है वेबसाइट। बिना वेबसाइट के लीड आपकी जनरेट नहीं हो सकती है। आज भी कितने ऐसे लोग हैं जिनके हजारों लाखों के बिजनेस हैं लेकिन वो वेबसाइट नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर आपको करोड़ों में आना है, अरबों में आना है, तो बिना वेबसाइट के कुछ नहीं हो सकता। 4-5-6 हज़ार तक की भी वेबसाइट बन जाती है, जबकि पोर्टल्स वेबसाइट जो है लाखों करोड़ों की भी बनती हैं। कम से कम वेबसाइट तो बना लो यार, जो दिखता है वो बिकता है, पूरी दुनिया में कोई भी आपको देख सकता है अगर आपकी वेबसाइट है तो। यार इतना तो कर लो। आपको नई से नई टेक्नोलॉजी का यूज करना है। क्या आप जानते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, कि आज करीब 87% वेबसाइट जो है वो मोबाइल पर खुलती है, तो आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, डेस्कटॉप फ्रेंडली भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या आप जानते हैं कि आज आप ऐप के थ्रू बहुत सारी भर भर के लीड ले सकते हैं एप्लीकेशन से। आपको देखा होगा जब भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो आपको फोन नंबर देना पड़ता है, नाम देना पड़ता है, ईमेल मिल जाता है, तो वो जब आप देते हो तो वो आपके एप्लीकेशन मैन्युफैक्चरर के पास उसी वक्त पहुंच जाती है। तो इसी ढंग से आप ऐप को अपने पास अगर रखते हो और ऐप लाखों करोड़ की बनती है, जी नहीं, फ्री की ऐप बन सकती है। अगर आप आई फ्रेम डालते हो अपनी वेबसाइट पर, क्या आप जानते हैं, कोई नहीं जानता इस फैक्ट को, कि आपके आई फ्रेम डालते ही वेबसाइट पर आपकी ऐप ऑटोमेटिकली बन जाती है। वही नाम, वही क्वेरी फॉर्म, वही ओटीपी, सब कुछ ऑटोमेटिकली फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है साहब। इसका मतलब है जो भी उस ऐप को डाउनलोड करेगा भर भर कर वही रोशनदान से, वही खिड़कियों से, वही नलकों से आपको भर भर के आपको इस ऐप से लीड्स मिलेगी। आपने वेबसाइट तो बना ली लेकिन किसी को आपकी वेबसाइट का पता ही नहीं है। आप जब तक उसको एड्रेस नहीं दोगे, उसको यूआरएल नहीं दोगे, वो खोल ही नहीं पाएगा। क्या नहीं चाहते आप कि जब भी कोई कीवर्ड डाले तो आपकी वेबसाइट जो है गूगल के पहले पेज पर आए? उसके लिए आपको क्या करना है, एसईओ करना है। अगर आपको प्रोडक्ट कुछ विचित्र है, कुछ खास है, तो आपको ये सब कुछ आपको मिल सकता है ऑर्गेनिकली पहला पेज, लेकिन अगर नहीं है तो एसईओ के लिए बंदा रखो, बड़े सस्ते मिल जाते हैं, उनसे कराओ, आपने खुद नहीं करना है। कितने ही लोगों को मैंने देखा है खुद टैली सीखने में लग रहते हैं, अकाउंटेंट के पैसे बचाने में लग रहते हो। थोड़ा सा खाओ, थोड़ा सा फेंको यार, आपको खुद ये काम नहीं करना एसईओ का। छोटे से बंदे को रखो, सस्ते में आपको बंदे मिल जाएंगे, उनसे ये काम कराना है, खुद नहीं करना। टैली के लिए अकाउंटेंट को रखो, खुद नहीं करना है। आपकी वेबसाइट पर एक क्वेरी फॉर्म होना चाहिए, उस क्वेरी फॉर्म में फोन नंबर, ईमेल आईडी पूछा जाना चाहिए, ताकि जो भी आपकी वेबसाइट पर आए वो क्वेरी फॉर्म पॉपअप सामने आए, वो भरे, भरते ही लीड बन गई ना आपकी। और क्या चाहिए आपको? एक और तरीका है आपकी लीड्स को लेकर आने का, कस्टमर को लाने का, ग्राहकों को लाने का, वो है कोरा क्वेश्चन आंसर्स। कोरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग जाके क्वेश्चन पूछते हैं और आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं। आपको चाहिए या आपकी टीम को चाहिए कि वहां पर जाके क्वेश्चन का आंसर करें। क्वेश्चन का आंसर किया नहीं कि उन्होंने आपका प्रोफाइल देखना है, प्रोफाइल देखते ही सीधा आपकी वेबसाइट पर आएंगे, और वेबसाइट पर आया नहीं कि उसके चांसेस माल को खरीदने के कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। और क्या चाहिए आपको? कोरा से भी बढ़िया है आपका लिंक्डइन। लिंक्डइन जो है एक प्रोफेशनल सेंट्रिक, बिजनेस सेंट्रिक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, और यहां पर आपको लीड बनती हैं, ढेर सारी बनती हैं, बहुत बढ़िया बनती हैं, बहुत रेलेवेंट होती है। लेकिन लिंक्डइन भी आपने खुद नहीं करना, करवाना है। थोड़ा सा खाओ, थोड़ा सा फेंको। क्या आपको लगता है कि लिंक्डइन से लीड मिल सकती है, मीनिंगफुल होती है, कन्वर्ट होती है? नीचे जाके कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए हमको। और इनको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे उसको सेल्स पाइपलाइन से लेके गुजार करके उसको कन्वर्ट करना है, उसको कन्विंस करना है आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, इसके लिए हमारा बेंचमार्क फॉर बिजनेस कोर्स है, जिसको आप फिजिकली या ऑनलाइन दोनों तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक सबसे बढ़िया तरीका है यूट्यूब, जहां पर आप लोग अभी हैं, मैं भी हूं, आप भी हैं। हिंग लगे ना फिटकरी रंग चौका, बिल्कुल फ्री में आपको लीड मिलती है, और लीड से पहले आपको मिलते हैं डॉलर। अगर आप एड कैंपेन चलाते हो तो YouTube आपको देता है डॉलर, और डॉलर के बाद आपको मिलती है लीड। जैसे मैंने अभी अभी आपको कहा था मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप कॉल कीजिए, सिमिलरली आपको लीड्स मिलती हैं, भर भर के मिलती हैं। फिर तीसरा, आप चाहे तो किसी की केस स्टडी बना सकते हैं, और वहां से आपको स्पॉन्सरशिप के मोटा पैसा तक मिल सकता है। फिर
अगर आपकी कोई वीडियो वायरल हो गई ना भाई साहब, तो कितने ऐसे टीवी चैनल हैं जो आपसे उन वीडियो को अपने चैनल पर चलाने के लिए राइट्स खरीदेंगे और आप बहुत आराम से उनसे पैसे तो पैसे डॉलर में भी आप कमा सकते हो। फिर अगर आप चाहें तो आप क्राउड फंडिंग भी अरेंज कर सकते हो, आप फैन फंडिंग कर सकते हो, आप यानी फैन फंडिंग आप डोनेशन उठा सकते हो। तो इस ढंग से आप बहुत सारे तरीकों से यूट्यूब से कमा सकते हो और आज हजारों लाखों लोग हैं जो कि यूट्यूब से कमा रहे हैं, बहुत मोटी कमाई है यूट्यूब के अंदर विश्वास रखिए। एक और तरीका है जिससे कि आप भर भर के लीड लेके आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो है ब्लॉगिंग। आम के आम गुटलियों के दाम, मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ आप लोगों का जिसके कारण से आज मेरा ब्लॉग जो है इंडिया में नंबर 1 है, एशिया में नंबर 2 है और वर्ल्ड में 15 रैंकिंग्स की है। अगर आप ब्लॉग लिखते हो तो बिल्कुल कोरा क्वेश्चन की तरह ही लोग आएंगे, आपका ब्लॉग पढ़ेंगे, आपका प्रोफाइल देखेंगे, वेबसाइट पे आएंगे और लीड कन्वर्ट हो जाएगी। अपना ब्लॉग बनाने के साथ में एक और काम आप कर सकते हो जो कि आपको करना भी चाहिए, आपको दूसरों के ब्लॉग पे जाके कमेंट करने चाहिए। बिल्कुल कोरा क्वेश्चन की तरह आपका कमेंट रेलेवेंट होने पर, मीनिंगफुल होने पर लोग आपका प्रोफाइल देखेंगे, वेबसाइट विजिट करेंगे और लीड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यही तो चाहिए आपको। आम के आम गुटलियों के दाम। और एक और सबसे बढ़िया सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका है फ्री की ईमेल मार्केटिंग। डाटा है, बढ़िया सा डाटा है, अच्छी सी ईमेल बनाओ उठा के भेज दो, क्या लगता है आपका? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कुछ पैसा नहीं लेता आपका। अच्छा, वो जो आपको मैंने सब बातें अभी तक बताई हैं, इन सब जगहों पर कैंपेन करते हुए अगर आपने कोई भी फ्री देते हो, कोई आप फ्री कंसल्टेशन देते हो 10-15 मिनट की अपना फुटफॉल बढ़ाने के लिए, जब भी आप कोई चीज़ फ्री दोगे तो आपके यहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा हो जाएगी और यही तो आपको चाहिए, तो फ्री जरूर दीजिए। एक सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, यहाँ पर आपके 100-200 रुपये लगेंगे लेकिन आप 2-3-4 हज़ार लोगों तक पहुँच सकते हो। पहली बात, बहुत कम पैसा लगेगा आपका। नंबर 2 कि आप अगर चाहते हैं कि वो सिर्फ एक छोटी लोकेलिटी तक ही जाए और वहां पर बस एक लिमिटेड एज के लोग ही उसको देखें। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपकी कुकिंग क्लासेस है और आप चाहते हैं जो मेरी कॉलोनी है, लोकेलिटी है, उसके आसपास के लोग ही देख सकें, उस लोकेलिटी के और उसके आसपास के देखें और सिर्फ गर्ल्स और वीमेन देखें, और वो भी जो 20-35 साल के बीच की वही देखें, या 20-30 की या 20-25 की। इतना प्रिसाइज आप हो सकते हैं, सिर्फ 100-200 रुपए खर्च करके आप इतना ज्यादा प्रिसाइज हो सकते हो। और ये पॉसिबल कहां होगा? ये होगा फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। मजे की बात है कि नहीं? बहुत कम पैसा खर्च करके आप बहुत लंबा जा सकते हो, बहुत ज्यादा लोग तक पहुंच सकते हो। अच्छा, अब तक हम लोग बात कर रहे थे कि किस प्रकार से इंटरनेट से आपने फ्री ऑफ कॉस्ट लीड लेके आनी है, बिना इंटरनेट के कैसे लेके आनी, चलते हैं हम लोग इसके ऊपर। और उसमें सबसे बढ़िया प्रोडक्ट, अगर आपका प्रोडक्ट कुछ खास है, विचित्र है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई ऐसी चूहेदानी है जो कि विचित्र है, तो उस चूहेदानी को खरीदने के लिए लोग आपको जंगल तक खोजते हुए पहुंच जाएंगे, आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, अगर आपका कस्टमर जो है सेटिस्फाइड है तो आप उसे रेफरल मांगिए। सेटिस्फाइड कस्टमर इज योर एजेंट फॉर एवर, उसे रेफरल मांगिए। कस्टमर का, सेटिस्फाइड कस्टमर का रेफरल जो है माल को जरूर खरीदता है। नंबर 3, आपका जो कस्टमर माल लेके गया था, पुराना कस्टमर, आप उसको क्यों नहीं टैप करते? उसको टैप कीजिए, वो सेटिस्फाइड है, वो आपको जानता है, वो आपके प्रोडक्ट को जानता है, उसके माल के लेने के, रिपीट ऑर्डर देने के चांसेस कहीं ज्यादा होते हैं। तो उसके बाद आपने एक कस्टमर को डील किया, वो माल लेके नहीं गया, वो माल ले सकता था, नहीं लिया, कोई बात नहीं, अगली बार ले लेगा, कल ले लेगा, आप उसको टैप कर सकते हैं। कैसे? टेलीफोन से कर सकते हैं, SMS से कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कर सकते हैं, ईमेल से कर सकते हैं, टैप कीजिए, उसको जाने भी देते हो। फिर उसके बाद वो ग्राहक जिसको आपने कहा या शायद ये माल, ये आदमी ग्राहक ठीक नहीं था, शायद लेता, शायद न लेता, थोड़ा वार्म था, अब जो वार्म है उसको आप टैप कीजिए, वही टेलीफोन से, व्हाट्सएप से, ईमेल से और SMS से, जाने क्यों देते हो यार। फिर उसके बाद आता है वो जो कि एकदम कोल्ड था, बेकार था, आपने कहा यार ये तो माल ही लेगा यार, एकदम थर्ड क्लास है, उसको भी आप टैप करो, फोन करो, कॉल करो, जो कि एकदम थर्ड क्लास था, वो ले सकता ही नहीं था, उसकी औकात भी नहीं थी, उसको भी कॉल करो, ईमेल करो, क्योंकि आप तो वेले हो, कोई तो आपके मकाम है नहीं, है ना भाई साहब। ऐसे लोगों को जो कि नहीं रखते आपका माल लेने की औकात नहीं रखते, ऐसे के ऊपर अपने टाइम अपना वेस्ट नहीं करना, ना कोई कॉल, ना कोई व्हाट्सअप, ना कोई ईमेल शीमेल, कुछ नहीं करना है, ऐसे लोगों को वाक 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 थू करके फेंक दो बाहर। तो इन लीड्स को आपने कैसे लेके आना है, ऑर्गेनिकली या पेड सोर्सेस से, इन सब को और कैसे उनको कन्वर्ट करना है, इन सब को हम लोग अपने बेंचमार्क फॉर बिजनेस कोर्स में करते हैं, जिसको आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन आप कर सकते हो। आइए, बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया से इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं
और इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए ऊपर लिखे हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको फ्री में ऑर्गेनिकली ढेर सारी वीडियोस चाहिए, बहुत सारी सजेशन चाहिए, तो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लो, और जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना। इसको कमेंट कीजिए नीचे जाकर कि आपको कौन सी सजेशन सबसे अच्छी लगी है, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर सकते हो, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज एक दिन आज के समय। बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर।